हे वेलकम टू बैक एनसीईआरटी इरा एजुकेशनल चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 वहाँ देखेंगे न्यूट्रॉन। तो बेसिक इनऑर्गेनिक मीन्स अकार्बनिक रसायन का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, तो जिसमें है न्यूट्रॉन। तो इसको बताने से पहले, आप देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को आपका छोटा सपोर्ट दीजिए। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है, देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक, ये जो होते हैं परमाणु के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार न्यूट्रॉन भी है एक कण परमाणु के अंदर का, जो परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक सूक्ष्म कण है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक। मीन्स यहाँ ये बता रहा है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसका लगभग बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का, ठीक। लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये बात को हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि जो होता है न्यूट्रॉन ये अनावेशित होता है, वहाँ लिखा हुआ था ऐसा। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। क्योंकि उदासीन इसलिए है क्योंकि इस पर माइनस और प्लस चार्ज नहीं होता है। तथा न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर की, ठीक। अब देखिए न्यूट्रॉन का जो खोज हुआ था, तो पहले आप डेट याद कर लीजिए कब, 1932 ईस्वी में, ठीक। तो जो वैज्ञानिक थे जो इसको खोजे थे न्यूट्रॉन को, उनका क्या नाम था, जेम्स चैडविक। अब कहाँ ढूंढे थे उसको, किस चीज़ में ढूंढे थे, तो वो बेरिलियम के धातु पर, बेरिलियम के धातु पर जो है अल्फा कणों का कणों से आघात करा करके इसका खोज किए थे, किसका, न्यूट्रॉन का। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो के लिए और इस सीरीज में जुड़ने के लिए, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज में जुड़ने के लिए और बेसिक केमिस्ट्री अकार्बनिक केमिस्ट्री को अच्छे से जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके प्रीवियस वीडियो, जैसे प्रीवियस वीडियो नहीं मीन्स इसके पीछे का जो वीडियो है इससे पहले, जैसे कि 13, 12, 11, 10 इस टाइप के जो वीडियो हैं लिस्टेड वीडियो, आप उसको देखिए, तब जा कर के आपको अकार्बनिक रसायन बहुत अच्छे समझ में आएंगे और आपको मज़े भी आएंगे इसको पढ़ने में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप हमसे जुड़े रहें। इसके लिए आपका एक छोटा सपोर्ट दीजिए सब्सक्राइब के रूप में और इस वीडियो को लाइक करके। तब तक बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।